हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। इससे संबंधित मैंने जितना भी वीडियो बनाया वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के स्थिति विस्तार के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाँ इससे एक चीज़ और कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है। ओके किस द्वीप का अंग है भारत प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार? ओके अगर हिस्टोरिकल बात किया जाए तो भारत का जब भौगोलिक मान्यता के अनुसार बात किया जाए तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द जो था प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा के लिए किया गया था। भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत का जो दक्षिणी सीमा है वो क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश। ओके सबसे पहले याद रखिएगा उत्तरी और पूर्वी ये दो चीज है पर आधारित है बेस, यानी भारत का जो मैप है ना तो किस गोलार्ध में है? तो बोलिएगा सबसे पहले कि ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी में होगा। ठीक है, और अक्षांश, अक्षांश इस प्रकार होता है, अधिकांशतर इस प्रकार होता है। ओके नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित क्या है? भारतीय मानक जो समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री जो होगा पूर्वी देशांतर पर होगा, यानी 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। ओके 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा भारतीय मानक समय। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित प्रमाणिक समय? इलाहाबाद के समीप स्थित है, जो अब प्रयागराज नाम हो गया है इलाहाबाद का। ओके भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के नज़दीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। ओके भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो कितना है 876 किलोमीटर होगा। ठीक है, 876 किलोमीटर दूरी है उसका दक्षिणी सीमा। किसका? भारत का। भारत का जो ध्रुव दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा की लंबाई। ओके भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप के साथ साथ समुद्र किनारे वाला जो इलाका है ना वो भी जोड़ करके बताना है, तो कितना हो जाएगा? 75.16 किलोमीटर। ठीक है, 75.16 किलोमीटर यानी 7,516.5 किलोमीटर है। ओके द्वीप सहित भारत का तटीय रेखा 75.16 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपका? 32.14 किलोमीटर। कितना है आपका? 32.14 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिणी की लंबाई। और समुद्री तटीय सीमा कितना होगा? द्वीप सहित तो 75.16 किलोमीटर होगा। ओके भारत का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर नापा जाए तो कितनी है?
भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई नापेंगे तो कितना होगा? 29-33 किलोमीटर। कितना है? 29-33 किलोमीटर होगा। और उत्तर से दक्षिण की सीमा 32-14 किलोमीटर है, यानी 32 से 14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम में कितना है आपका? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में 32 से 14 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर होगा। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित नहीं बोला, याद रखिएगा। द्वीप सहित अगर बोलता तब हम 75, 16.5 किलोमीटर मारते, ओके। लेकिन तटरेखा सिर्फ बात किया है, तो कितना मारिएगा आप? 6100 किलोमीटर। कितना मारिएगा? 6100 किलोमीटर होगा भारत का तटरेखा की लंबाई, ओके। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो गया। और 2933 किलोमीटर किसका होगा? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है, ओके। 2.4% होगा। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है 10.7%। कितना है? 10.7%। फिर से याद रखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? तो 10.7%, ओके। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब होता है समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई, ओके। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब कितना हुआ? 2135 मीटर या फिर उससे अधिक की ऊंचाई। तो कितना परसेंट है भारत का, यानी पर्वतीय क्षेत्र? 10.5% से ज़्यादा है, 10.7%, ओके। 10.7% होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार भारत में कितनी है? 29.3%। फिर सुनिएगा, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत के साथ साथ पहाड़ी, इन दोनों को मिला करके कितना परसेंट हो जाता है? 29.3%। 29.3%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार किया गया है? भूभाग पर पठार का जो विस्तार है आपका कितना परसेंट है? 27.7% है पठार पर, 27.7% है, ओके। सबसे ज़्यादा भारत में मैदानी क्षेत्र में लोग रहते हैं, दूसरे नंबर पर पठारी क्षेत्र पर रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? भूभाग पर मैदानी विस्तार आपका कितना है? तो 43% है, 43% मैदानी क्षेत्र है भारत का, ओके। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर स्थित है? तो 12 मील की दूरी पर स्थित होगी, ओके। टेरिटोरियल वाटर भारत का कितना मील की दूरी पर होगा? तो 12 मील तक की दूरी पर होगी, ओके। भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितने मील तक रहेगी भाई? 12 मील तक रहेगी, ओके। नेक्स्ट है, भारत का संलग्न क्षेत्र जिसे कॉन्टिजियस जोन भी कहते हैं, संलग्न क्षेत्र को इंग्लिश में कॉन्टिजियस जोन भी कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा को टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं इंग्लिश में, जो 12 मील तक होगी टेरिटोरियल वाटर,
और फिर उसके आगे थोड़ा कॉन्टिजियस जोन होता है। ओके, 12 स्टेट ऑयल बटर से आगे बढ़ेंगे तो कॉन्टिजियस जोन होता है, जिसकी प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील होगा, तो 24 मील होता है। ओके, कितना होगा, 24 मील होगा। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, एकांतिक आर्थिक जोन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं हिंदी में जिसको। संकलन क्षेत्र कितना है, ये लगभग 200 मील तक होती है। ओके, भारत के कितने समुद्र राज्य से टच करते हैं, सॉरी कितने राज्य समुद्र से टच करते हैं, 9 राज्य है भारत के जो समुद्र से टच करते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा लंबा तट रेखा कौन सी है, गुजरात है। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, देखिए मध्य प्रदेश गुजरात झारखंड से जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं जाता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है, इसमें ऑप्शन के अनुसार बताए हैं। नेक्स्ट, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर कर्क रेखा जो होती है गुजरती है, भारत की अक्षांश रेखा कर्क रेखा इससे गुजरती है ना, 8 राज्यों से। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत की कितने राज्य से होकर गुजरती है, अभी बताए 8 राज्य से जोड़ते हैं 26 का। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको पता है उड़ीसा जो होगा इससे होकर के नहीं गुजरेगी। ओके, उड़ीसा जो है यहाँ पर इससे होकर के नहीं गुजरता है। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट क्या है, केप कोमोरिन है जो तमिलनाडु के तट पर है, याद रखिएगा यहाँ पर मुख्य भूमि बोला गया है, ठीक है, भूमि के बारे में बताना है। भारत का दक्षिणी पॉइंट के बारे में नहीं बोला गया, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट बोला गया है, ठीक है, तब यहाँ पर केप कोमोरिन मारेंगे जो तमिलनाडु में है, और इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, बताए हैं इंदिरा पॉइंट होगी। ओके, इंदिरा पॉइंट जो होगी सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम किस किस नाम से जानते हैं, देखिए इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ला ही चिंग के भी नाम से जानते हैं, तो आंसर सभी हो गया। ओके, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और ला ही चिंग के नाम से भी जानते हैं इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है सी, इंदिरा पॉइंट है, ये भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है और दक्षिणी पॉइंट भी है इंदिरा पॉइंट। ओके, जो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है कौन, सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल के नाम से जानी जाती है, जी हाँ, भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो सबसे उत्तर में पड़ता है भारत का कौन सा है, इंदिरा कौल के नाम से जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, भारत का दक्षिण का स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ओके, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, भारत के मुख्य भूमि रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है या फिर पंबन चैनल करता है, तो पाक
छप्पन चैनल करता है। ओके, भारत का जो 33 नंबर इधर करवा दिए थे, 34 नंबर इधर आए। भारत का मुख्य भूमिका रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पम्बन चैनल करता है। ओके, मुख्य भूमि से रामेश्वर को, मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पम्बन चैनल करता है भारत का। नेक्स्ट है, एडम का पुल जिसे आदम ब्रिज कहते हैं किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच एडम का पुल स्थित है। ओके, एडम ब्रिज भारत श्रीलंका। नेक्स्ट है, दीपों के निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक दक्ष डिग्री अक्षांश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग अलग होता है? तो 10 डिग्री किसके द्वारा अलग अलग होता है आपका? अंडमान निकोबार होता है। ओके, 10 डिग्री चैनल के द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग अलग होता है। ओके, ये बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। डंकन पास किसके किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। देखिए, डंकन और दक्षिण, ड ड का देख रहे ना, इस प्रकार कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हैं। छठ दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान होगा, ठीक है, दक्षिणी छोटा अंडमान, ये डंकन पास इसके बीच स्थित है। नेक्स्ट है, दीव जो एक द्वीप है वो कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है। ओके, द्वीप जो है, एक द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। और डंकन पास कहाँ है? दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? श्रीलंका को ये भारत से कौन अलग आपको करती है? मन्नार की खाड़ी जो है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किनके द्वारा सीमांकित की गई थी? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया था। ओके, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक लंबा सीमा बनाता है? तो म्यांमार, सुदूर पूर्व में बोल रहा है। सुदूर पूर्व में भारत का कौन सा देश से भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो वो है म्यांमार। और याद रखिएगा, जितना भी उत्तर पूर्व का, सुदूर पूर्व का जो ऐतिहासिक राज्य है ना, सभी से टच करता है म्यांमार। ओके, चाहे अरुणाचल प्रदेश का ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है उत्तरी सीमा पर। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका से नहीं लगती, ये वाटर का से लगती है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? श्रीलंका को नहीं कर सकते है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में शामिल नहीं कर सकते श्रीलंका को। ओके, कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो वो है श्रीलंका। ओके, बाकी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में आते है। नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए, भारत भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसलिए आया क्योंकि भारत नेपाल 1816 के अंतर्गत में, आपको पता है कौन से संधि के अंतर्गत में अलग हुआ था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पाकिस्तान था ही भारत के साथ, बांग्लादेश भी था जो आज़ादी के दौरान अलग अलग हो गया। किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा
सबसे छोटी है, सबसे छोटी है राज्य का गोवा का। ओके। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है। ओके। फिर उसके बाद चीन आता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटा जो होगा किसके साथ होगी? तो भूटान के साथ होगी, सबसे छोटी स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, कैसे विभाजित कर सकते हैं भारत को? तो उत्तर पूर्वी उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीप तो है ही, और सागरीय तटीय प्रदेश। भारत का जो भौगोलिक सीमा है, भौतिक क्षेत्र है, वो किस प्रकार उसको विभाजित करते हैं? सबसे पहले उत्तर में पर्वतीय प्रदेश है, हाँ है। फिर बृहद मैदानी प्रदेश भी है, हाँ है बृहद मैदानी प्रदेश। फिर दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश भी है, दक्षिण में प्रायद्वीप है, हाँ है। फिर सागरीय तट प्रदेश भी है, जी हाँ है। ओके। अब इधर का नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति है जो सबसे प्राचीनतम मानी गई है? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का भू आकृति में सबसे प्राचीनतम मानी गई है। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंती या पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ओके। प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? वो नहीं होगा, कोरोमंडल तट। ओके। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्व वाला कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ओके। किस तट के नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट है गोवा से, कहाँ तक है आपका? दमन तक है। ओके। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है आपका? गोवा से दमन तक होगा। ओके। लक्षद्वीप समूहों की उत्पत्ति किस प्रकार की से हुई है? प्रवालों से उत्पत्ति हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में दो वो ज्वालामुखी है, कौन कौन सी है? एक बैरन द्वीप है, एक नारकोंडम है। ओके। एक बैरन द्वीप है, एक नारकोंडम है, ये दो ज्वालामुखी है और एक्टिव है बैरन। नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है, दो ज्वालामुखी द्वीप है बैरन और नारकोंडम द्वीप में आता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में आती है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है आपका? बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप है इसमें से जो द्वीप है वो बताना है। द्वीप जो है गुजरात के किनारे तट के किनारे पड़ता है, ये आपका एक द्वीप है। ओके। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ? लक्षद्वीप समूह जो स्थित है अरब सागर में है। द्वीप स्थित कहाँ है? द्वीप स्थित आपका होगा कक्ष की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में स्थित है। द्वीप कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। ओके। द्वीप कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है द्वीप के बारे में बताना है, तो रामेश्वरम द्वीप होगा। ओके। रामेश्वरम द्वीप होगा।
भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो मुख्य भूमि है रामेश्वर को कौन अलग करती है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। ओके, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में है कि गुजरात में है। राजस्थान में है। थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है। अक्कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। थार कहाँ है, राजस्थान में है आपका। दक्षिणी गंगोत्री क्या है। दक्षिणी जो गंगोत्री है वो क्या है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अब बंद हो गई है। ये पहली दक्षिणी गंगोत्री है। भारत में वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन को बर्फ से लदा रहता है आपका। नेक्स्ट है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहते हैं सिकंदराबाद को। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं, सिकंदराबाद को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन जिसने चीन लिया हुआ है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। शीत मरुस्थल भारत का कौन सा है, लद्दाख है जो एक शीत मरुस्थल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग्य था जिसे क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। फिर से सुनिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। विशाल भूखंड जो टूट करके हो गया अलग, उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सी होगी, कोलकाता। कर्क रेखा के निकटतम है स्थित। ओके, कोलकाता जो है एक कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। इस सब में एग्जाम्पल के अनुसार तो अगरतला है। हाँ है, अगरतला। कर्क रेखा के नगर निकटतम स्थित कौन सी है, अगरतला। ओके, अगरतला जो है कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपका। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, पूरी तरह है, सही है। भारत का आकृति चतुष्कोणीय है। जी हाँ, चतुष्कोणीय ही है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें, जनसंख्या दृष्टि से 2रे स्थान पर है। ऑफिशियली 2रे नंबर पर है, लेकिन अब हो गई है 1 नंबर पर। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपका। भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय प्रदेश है। जी हाँ, पर्वतीय प्रदेश है 29.3%। भारत का क्षेत्रफल 27.7% भाग पठारी प्रदेश है। जी हाँ, भारत का इतना परसेंट मैदानी क्षेत्र है आपका, 43% के आसपास। तो ये गलत हो जाएगा आपका। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी पर है। उत्तरी उत्तरी यहाँ पर क्यों लगाया गया ये खाली ध्यान रखिएगा। उत्तरी इसलिए है क्योंकि उत्तर अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। भारत पहला और दूसरा है। इसका मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बाद स्थित है। ओके,
के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत बताना। उत्तर का विशाल मैदान है, सही बात है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज नदियों का मैदान है, सही बात है। विशाल भारत का। नेक्स्ट है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। जी हाँ, नवनिर्मित मैदानी प्रदेश भी है भारत का। यह मैदान की मिट्टी चरनोर मिट्टी जो होती है चरनोजम प्रकार की होती है। जी नहीं, गलत प्रकार है। इस मैदान में मिट्टी का भी निक्षेपण 400 से लेकर 3000 मीटर की गहराई तक है। भारत का जो मिट्टी का गहराई कहाँ से कहाँ तक है, 400 मीटर से लेकर के मिनिमम और मैक्सिमम 3000 मीटर तक की गहराई पर स्थित है। ओके, मिट्टी का तलछट देखा जाए तो 400 से लेकर 3000 मीटर तक की गहराई का प्रदेश है। भारत का जो भौगोलिक स्थिति के संबंध में बताना है, के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपका। सबसे पहले विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, ये विषुवत रेखा उसके उत्तर में स्थित है भारत, सही बात है। 8 डिग्री पूर्वी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। जी हाँ, 8 डिग्री पूर्वी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ओके, फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन सही हो जाएगा सब। फिर से सुनिएगा, अगर देशांतर का बात किया जाए तो 68.7 याद रखिए, 6.78 है, लेकिन इसको ये डिजिट के लिए, लेकिन याद ऐसे नहीं करना। 68.7 मिनट याद रखना है, 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है आपका भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य है ये सर्वाधिक टच करती है। ओके, फिर से सुनिए, भारतीय कौन सा भारतीय राज्य है सीमा जिसकी सर्वाधिक राज्यों की सीमा से संपर्क करती है, यानी एक राज्य का सर्वाधिक राज्य से टच करता है, वो है उत्तर प्रदेश। ओके, सर्वाधिक राज्य से टच करती है। निम्नलिखित में से कौन है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा एक राज्य है, बाकी ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में कितने प्रदेश है, तो 29 राज्य अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये बदलते रहते हैं इसलिए इसको नहीं लिया जाता है जनरली। ओके, न्यू मोरदीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यू मोरदीप जो है पहला तो ये देख लीजिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का कारण है। कौन सा द्वीप, न्यू मोरदीप। ओके, विवाद का कारण है कौन सा द्वीप, न्यू मोरदीप। ओके, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, कितने करता है, तो 17.5% होती है। ओके, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, 17.7% के आसपास करता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत होता है बताना है आपको, गलत है वो बताना है आपको। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ, सही है। भारत के मुख्य स्थल के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, खाली मुख्य स्थल का। ओके, समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जी हाँ, तट रेखा के बारे में बात कर रहा है। और देशांतरीय विस्तार किया जाए तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, ये देशांतर जो है ना, इस चीज को याद रखिए, देशांतर अक्षांशीय नहीं है। ओके, तो गलत आपका ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके,
कौन सा कथन है जो गलत है ये बताना है आपको। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत की कुल जो समुद्री सीमा है कितना है, 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर है समुद्री सीमा मिला करके। ओके, द्वीप समूह। भारत की पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। जी नहीं, गलत है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु कितनी है जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानी जाती है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है। देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है। 82.5 डिग्री 82.3 डिग्री 30 मिनट। ओके, 82.3 डिग्री 30 मिनट जो है आपका ये प्रमाणिक मध्यान रेखा कहलाती है। प्रमाणिक मध्यान रेखा भारत का यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है। भारत अवस्थित है कहाँ। भारत अवस्थित है 8 डिग्री पूर्वी उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, से लेकर के 37 डिग्री पूर्व उत्तरी अक्षांश पर है। किधर है, तो ये दोनों तो मिल गया अभी आपका। फिर अभी 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वह राज्य कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नागालैंड जो होगी इसकी नहीं लगती कि असम की नहीं लगती है, तो आपका असम की नहीं बल्कि नागालैंड की नहीं टच करती है। ओके, नागालैंड की टच नहीं करती है, बाकी असम जो होता है सभी राज्य से टच करता है उत्तर पूर्वी का। ओके, वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगेगी किसकी भाई, तो वो है आपका मणिपुर। मणिपुर जो होगा इसकी सीमा नहीं लगती अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। राजस्थान महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, ये मैप से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको मैप याद रखना पड़ेगा। किन राज्यों के बीच स्थित है दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली आपका स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ओके, कौन सा राज्य है नेफा के नाम से भी जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था, इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस कहा जाता था इंग्लिश में, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है आपका, दक्षिणी अंडमान में है। कौन सा युग्म है जो सही नहीं है यानी सही नहीं माना जाता है। मदुरे कहाँ है, तमिलनाडु में है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में है। अलवर कहाँ है, राजस्थान में है। अलवर कहाँ है, राजस्थान में है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। मदुरे कहाँ, तमिलनाडु में, तो ये गलत होगा आपका, झांसी यूपी में है। ओके, इस प्रकार 95 क्वेश्चन खत्म होता है पार्ट वन। अब आपके लिए पार्ट टू लेके आएंगे दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ना भी पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा और कारण बता दीजिए।